एक और एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ मैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, ताकि मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। जिसमें हमने क्लासेस की अभी तक बात की, एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात की, और अगर हमें कोई प्राइवेट डेटा मेंबर क्लास के बाहर चाहिए तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए जो है मैं एक एग्जांपल और ऐड कर रहा हूँ। एग्जांपल जो है वो मैं कह रहा हूँ ट्रैवल के नाम से एक क्लास हम बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम ट्रैवलिंग पर्संस की ट्रैवलिंग जो है वो सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समर है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, जैसे मैं भी घूमने फिरने गया हुआ था, तो हम ट्रैवलिंग देखना चाह रहे हैं कि जिस लेट से दो तीन लोगों ने जो है वो ट्रैवलिंग की है वीकेंड पे, जब भी कि घूमने फिरने आप गए तो कितना आपकी कितने किलोमीटर ट्रैवल किए और कितने हॉर्स में आपने वो ट्रैवल किया। ठीक है, तो उसका बेनिफिट ये होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि हम एंड पे इसी कॉन्सेप्ट को ऐड कर लेंगे, जिसमें मुझे एक प्राइवेट एट्रीब्यूट चाहिए होगा, और वो कहाँ चाहिए होगा, जब मुझे पर्संस की ट्रैवलिंग टोटल जो है वो ऐड करनी होगी। मैं चाहूँगा कि जितने भी पर्सन ने जितना भी ट्रैवल किया है इन किलोमीटर एंड इन हॉर्स, वो जो टोटल ट्रैवलिंग बनती है वो कितनी ट्रैवलिंग है, उस ट्रैवलिंग को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सेव करना चाह रहा हूँ, ऐड अप करना चाह रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए ऑब्वियस बात है कि वो किलोमीटर जो प्राइवेट डेटा होगा मुझे चाहिए होगा, तो हम उसको देखते हैं कि कैसे हैंडल करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? सो बताएं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं सिंपली ये करूँगा कि पहले एक क्लास बनाऊँगा, पहले ही क्लास बनाऊँ, तो वो जो क्लास है वो क्लास मुझे यहीं पे बनाऊँ या अलग फाइल में बनाऊँ, ये आप बता दें, आपके लिए जो फिजिबल है, आपके लिए जो आसान है। मैं यूँ एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ किसकी, ट्रैवल की। ठीक है, ट्रैवल की एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ, और वो जो ट्रैवलिंग है लेट्स से वो मेरी ट्रैवलिंग है, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने माय रख दिया। मैं एक ट्रैवल की क्लास बनाना चाह रहा हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा, माय रखा। जी, तो अभी सबसे पहले मैंने देखें, मैंने क्लास अभी तक नहीं बनाई, मैंने सिंपली क्या किया, ये कोड मैं साफ्ट में अपलोड कर रहा होता हूँ, आप ले लीजिएगा वहाँ से, और वैसे भी अगर साथ साथ नोट करना है तो बेशक कर लिया करें, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ, फिलहाल समझे छोड़ दें लिखने। सो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक क्लास बनाऊँगा, इसका नाम क्या होगा, ट्रैवल, और मैंने क्या कहा कि ट्रैवलिंग क्लास जो होगी उसमें मैंने जो इन्फॉर्मेशन सेव करनी है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कि पर्सन ने कितने हॉर्स में कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, दैट्स इट। हमने पर्सन का
टोटल ट्रैवलिंग के बारे में बताना है कि उसने कितनी ट्रैवलिंग की है इन हॉर्स और कितने टाइम में की। इट मीन्स दो एट्रीब्यूट होंगे, किलोमीटर एंड हॉर्स। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई, इट मीन्स मैं अपनी ट्रैवलिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अज्यूम करूँ कि एक सेट फंक्शन होगा जो इनपुट ले लेगा, ठीक है। फिर मैंने दूसरे पर्सन जिसको मैंने यूज़ कहा, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यूज़, मैंने उसके लिए क्या कर ली, इनपुट ले ली, सही है। और फिर मैं क्या करूँ, माई को यूज़ को क्या करना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले करना। फिलहाल मैं यहाँ तक ये करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी। तो क्लास बनाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो अलग सोर्स फाइल ओपन करें और उसमें जाके आप क्या बनाएं, क्लासेस बनाएं। सो मैंने क्या किया कि डॉट एच फाइल यहाँ से सिलेक्ट किए और जो मैं क्लास बना रहा हूँ उसका मैं नाम रख रहा हूँ ट्रैवल। उसका नाम मैंने क्या रख दिया, ये क्लास मैंने ऐड कर दी, ठीक है। अब जब ये क्लास मैंने ऐड कर दी तो ये हेडर फाइल्स को जो ज़रूरी हेडर फाइल्स हैं, ये दो फाइल्स मुझे वहाँ चाहिए होंगी क्योंकि मैंने सी इन और सी आउट करवाना है। सी इन सी आउट के लिए ये हेडर फाइल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। देन मैंने क्या बनानी है, क्लास क्या नाम रखना है, ट्रैवल, ठीक है। सॉरी, ट्रैवल क्लास में हमने क्या करना है, एक मुझे किलोमीटर की वैल्यू चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ फ्लोट, फ्लोट किलोमीटर एंड हॉर्स, ठीक है। अब मुझे फंक्शन बनाने हैं, तो फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पब्लिक। मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम मैंने क्या रखा था, सेट। सेट ने क्या करना है, इनपुट करानी, क्या इनपुट करवानी है, इंटर किलोमीटर, और किलोमीटर कैसे इनपुट करेंगे, सेम किलोमीटर, सेम इसी तरह से मेरा पहला फंक्शन बना गया सेट। दूसरा फंक्शन हमने क्या बनाना था, गेट, जी इसमें हमने क्या करना है, सी आउट, किलोमीटर, ठीक है। ये मेरे दो फंक्शन थे जो रिक्वायर्ड थे, वो मैंने बना लिए। थोड़ा सा मैं मैन में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा था पर्सन, उसको मैं ख़त्म कर, सही है। यहाँ तक ओके, बात समझ आ गई। जो मैंने क्लास बनाई है वो सबको समझ आ गई। पेपर में एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपको मैन गिवन होता है और आपसे कहा जाता है उसके लिए क्लास बनाए। तो क्लास यहाँ से कैसे पता चल रहा है, मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, इसका मतलब मुझे ट्रैवल की क्लास बनानी पड़ेगी। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि सेट फंक्शन कॉल हो रहा है इसके साथ, तो सेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे गेट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो गेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एनालाइज करके बताया जा सकता है, क्लास लिख के जा सकती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या होगा, इस केस में एक एरर आएगा। वो एरर ये है कि आप जो है ट्रैवल यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रैवल कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवल को यूज़ करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें अगर आपने अलग क्लास बनाई, अलग फाइल के अंदर अगर क्लास बनाई है तो क्या करना होता है, उसका रेफरेंस देना होता है। और क्लास का नाम हमने क्या रखा है, ट्रैवल, और वो एक हेडर फाइल है डॉट एच, ठीक है। इंटर ट्रैवलिंग और पर्सन वन, नज़र आ रहे हैं, किलोमीटर की बात करो तो मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर ट्रैवल किया पर्सन वन ने, कितने हॉर्स में से
स्पेंड 5 hours में, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑफ पर्सन टू जो है वो पर्सन टू ने भी 100 kilometers जो है वो ट्रैवल किया है, चले कम कर देता हूँ, 96 kilometers ट्रैवल किया है, और इस पर्सन ने लेट से 2 hours में ट्रैवल किया, ठीक है। तो हम जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं कि पर्सन वन की ये इंफॉर्मेशन है और पर्सन टू की ठीक है। सारी बात तो यहां तक आसान है, बात समझ आ गई। अब मैं एक और पर्सन की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं, पर्सन थ्री। पर्सन थ्री के लिए मैं सेम यही काम कर रहा हूं, पर्सन थ्री के लिए मैं कह रहा हूँ पर्सन अली, उनने ट्रैवलिंग किया, ऑब्जेक्ट का नाम भी मैंने अली रख दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है जी, बात समझ रहे। सो मैं अगेन चला रहा हूँ इसे, पर्सन वन हमने कहा था 100 इन 1.5 hours, पर्सन टू हमने 96 कहा था और 2 hours में कहा था, पर्सन थ्री हम कह रहे हैं लेट से 50 kilometers और से 1 hour में ट्रैवल किया, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करनी है, ऐड करनी है जी। मुझे इन पर्सन की इंफॉर्मेशन को क्या करवाना है, ऐड, बताएं कैसे ऐड होगा, ऐड का फंक्शन बना लेंगे। चलिए ऐड से पहले मुझे ये बताएं कि मुझे इनमें से वो पर्सन जो के जिसने सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग की है वो डिस्प्ले करना है, वो कैसे होगा, रिटर्न करना पड़ेगा ऐसे ही। तो पहले ही एग्जांपल देखते हैं, हम इसमें से वो पर्सन जिसकी ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा है वो देखना चाह रहे हैं, बताएं कैसे होगा। क्या रिटर्न करना पड़ेगा, किलोमीटर को, हॉर्स की जरूरत है, हमने जैसे ये देखिए कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, जिसने ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल किया बेशक जितने मर्जी घंटे लगाए ट्रैवलिंग तो सेम ही किया ना, तो हम जस्ट जो है वो किलोमीटर पे चेक लगाएं, हॉर्स पे चेक, समझ गए बात। अब यहाँ एक ऑप्शन ये है कि ये जो कंपेयर हम करेंगे, जरा गौर से सुनना है इसको, एक ऑप्शन ये है कि ये जो हम कंपैरिजन करेंगे ये मैन में करें, जैसे पहले किया था एज थोड़ी देर पहले हमने कंपेयर की, अभी इसी तरह से हम किलोमीटर को कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक फंक्शन बना लूं जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को क्या करे, कंपेयर करे। पहले वाली टेक्निक ये थी कि हमने किलोमीटर की वैल्यू को रिटर्न किया था और मैन में कंपेयर किया था। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपैरिजन हम फंक्शन के थ्रू करवाएं, क्लास के अंदर हम एक कंपेयर का फंक्शन बना लें जो हमें ये चेक करके बता दे कि दो ऑब्जेक्ट में से कौन सा वाला पर्सन जो है जिसकी ट्रैवलिंग क्या है ज्यादा है। तो दोनों टेक्निक्स की जा सकती हैं, कौन सी वाली करें, फंक्शन वाली ना, पुराना समझ आ गया, नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाओ। पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप आपको यहाँ किलोमीटर चाहिए तो किलोमीटर क्या चाहिए आपको, फ्लोट में चाहिए होगा ना, तो मैं यहाँ एक फंक्शन में ला लूँ रिटर्न, रिटर्न किलोमीटर, और यहाँ क्या कर ले हम, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है पहले हम कर चुके हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सेकंड करवाता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा है। सो मैंने क्या करना है, अगर ये चीज करनी है तो यहाँ पे मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा, क्या इफ माई डॉट रिटर्न किलोमीटर
is greater than yours dot return किलोमीटर, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब माय जो है वो योर से ग्रेटर है, लेकिन मसला ये है कि एक और पर्सन भी है, मसला ये है कि एक और पर्सन भी है। अब आप क्या करें? एंड मुझे ये करना पड़ेगा माय डॉट किलोमीटर इज ग्रेटर देन अली डॉट किलोमीटर, समझ गए ये बात? ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने कंप्लीट, नजर आ गई? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट मींस किसके किलोमीटर ज्यादा हैं? माय डॉट गेट कर सकता हूँ मैं, सही? एल्स तो बताएं योज को बाकी के साथ चेक करना पड़ेगा, तो यहां मैं लिखूंगा योज डॉट किलोमीटर इज ग्रेटर देन माय डॉट किलोमीटर एंड योज डॉट किलोमीटर इज ग्रेटर देन अली डॉट किलोमीटर। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? डॉट सही, और इसके बाद एक एल्स लग जाएगी और वो क्या होगा? अगर वो दोनों ग्रेटर नहीं है तो अली वाली वैल्यू क्या होगी? समझा की बात? जी तो वैल्यूज में वही दे रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा अगर आप इस एग्जांपल को सेकंड ऑप्शन की तरफ मैं आ रहा हूँ, अगर हम चाह रहे हैं पर्सन का नाम भी आ जाए जिस पर्सन ने ट्रैवलिंग की है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा? सुन नहीं रहे मेरी बात आप? से पहले वाली बातें सारी सुनिए मेरी, पक्की बात है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे नेम भी ऐड करना है पर्सन का, तो क्या करना पड़ेगा?
मैं चारों पर्सन के जैसे यहाँ आ रहे हैं ना किलोमीटर और हॉर्स आ रहे हैं, मैं चारों पर्सन नेम भी साथ आए, डेटा मेंबर बनाना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। कहाँ ऐड करना पड़ेगा वो एट्रीब्यूट, मुझे कहाँ ऐड करना पड़ेगा? कहाँ भी वो पर्सन का नेम में ऐड करूँ? पर्सन समझ आ रहे हैं? क्लास में, क्लास में कौन से वाले पोर्शन में? यहाँ एक एट्रीब्यूट आ जाएगा नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। अगर आपने सेट करना है तो फिर यहाँ पे आपको आप लिखना पड़ेगा इंटर, पर्सन नेम, पर्सन नेम के लिए मुझे क्या इनपुट लेनी पड़ेगी? अच्छा, नेम में स्पेस आ सकती है, तो स्पेस के लिए एक फंक्शन होता है गेट्स अंडरस्कोर एस, शायद आप लोगों ने पहले ही यूज ना किया हो कुछ लोगों ने, ये स्पेस इनपुट करवाते हैं। ये फंक्शन जो है क्या करेगा, आप अगर खाली सीन के साथ नेम लिखेंगे तो स्पेस इनपुट नहीं होगी, तो गेट्स एस जो है वो गेट स्पेस से है तो ये स्पेस इनपुट ले सकता है, ठीक है। अगर डिस्प्ले करना है तो यहाँ आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, क्या डिस्प्ले करेंगे? ये कुछ चेंजेस करने के बाद मुझे यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करनी नेम से जाहिर किलोमीटर हमने कहा था 100 और 1.5। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम नोट करें कि पर्सन टू का नेम इनपुट हुआ ही नहीं है और डायरेक्टली हम कहाँ चले गए? किलोमीटर। ये अक्सर आप लोगों को लैब में मसला आता हो। प्राइवेट रखा हुआ है, हाँ इनपुट तो इनपुट फंक्शन ले रहे हैं ना, सीन तो हमने फंक्शन के अंदर किया है ना, दिखा ये देखिए ना, इनपुट हम यहाँ ले रहे हैं फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब ये जो मसला है कि एक वैल्यू बीच में से स्किप हो जाती है, इसका सॉल्यूशन क्या बताया था? सीन नॉट इग्नोर फंक्शन एक है, अगर आप उसको कॉल करेंगे तो वो ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है कि वैल्यू स्किप हो जाती है, कि बेसिकली इनपुट जो बफर होता है वो ओवरफ्लो करता है, उसकी वजह से ये मसला आता है। और ये प्रॉब्लम नॉर्मली वहाँ आती है जहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। आपने देखा क्लास के अंदर फ्लोट भी है, कैरेक्टर भी है, तो जब डिफरेंट डेटा टाइप्स आप क्लास के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। सो मुझे इग्नोर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जी, बिल्ट इन फंक्शन है। गेन वही मसला आ रहे हैं,
ठीक है, ये नेम के साथ वो आ रहे हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं। बाकी अगर हम देख लें तो हमारी जो मैक्सिमम ट्रैवलिंग है वो कौन सी वाली है, उमर। तो इसके साथ हमने पर्सन का नाम जो है वो भी क्या कर दिया, सही है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सेकंड सॉल्यूशन है उसकी तरफ आते हैं। अब जरा यहां एक चीज नोट करें कि ऑब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट तीन है, और तीन ऑब्जेक्ट के लिए मुझे एंड करके ये जो मेरी इफ की स्टेटमेंट है इसको देखिए जरा कि कितनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट चार होंगे तो मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, एक कंडीशन और ऐड होगी और इफ के अंदर मजीद कंपैरिजन में एक कंपैरिजन और आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टेक्निक अभी हम यूज कर रहे हैं ये कितनी सूटेबल टेक्निक नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है। तीन ऑब्जेक्ट के लिए अगर ये इतनी कॉम्प्लेक्स है तो अगर आपसे कहा जाता है कि अरे में 50 पर्सन्स हैं उनको कंपेयर करो तो फिर तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरी बात समझ आ रही है। सो उसका सोल्यूशन ये है कि आप कंपैरिजन की जो डिफरेंट टेक्निक है, जो सेकंड टेक्निक हमने पढ़ी थी वो ये थी कि आप क्या कर लें, क्या कर लें, उनमें से ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी एक को इनिशियली मैक्सिमम या मिनिमम अज्यूम कर लें और उस ऑब्जेक्ट को बाकी के साथ कंपेयर करें, बस समझ आए। बजाय इसके कि पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, फिर पांचवें के साथ, हम अज्यूम करते हैं द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम, उसको सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं, उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, जो मैक्स होगा उसको गेट कर लेंगे, फिर उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, समझ आ गई बात। तो मुझे ये बताएं कि इसी टेक्निक में फिलहाल मैं ये चीज़ अगर करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। जरा देखिएगा, मैं यहाँ कह रहा हूँ ट्रैवल, ट्रैवल मैक्स एंड ट्रैवल मैक्स इज इक्वल टू माई, मैंने मैक्सिमम ट्रैवलिंग वाला एक 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 टेम्प्रेरी वेरिएबल बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी, माय की वैल्यू, और माय में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो ऑटोमेटिकली सारी इसमें क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब कंपैरिजन में यूं करूंगा, इफ इफ माय इज सॉरी इफ इफ माय डॉट इफ माय डॉट रिटर्न किलोमीटर इज ग्रेटर देन व्हाट Use dot return kilometer. अगर ऐसा है then max is equal to use. ठीक है, अब सही। अगर यूज की किलोमीटर की वैल्यू में माय की किलोमीटर से ज्यादा है देन माय को हमने यूज ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है। अब सही है, ठीक है, हम किसको कंपेयर करें, हम मैक्स को कंपेयर करें, बेसिकली मैक्स में माय की वैल्यू पड़ी है उसको हमने कंपेयर की यूज के साथ। तो अगर ये कैसे ट्रू होती है, नहीं खाली मैक्स की, मैक्स की यूज की वैल्यू असाइन करनी है, वैसे किया जा सकता, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, इफ Ali dot return kilometer is greater than max dot return kilometer, then max is equal to इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर आप देखें तो ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है वो ईजी है, ये वाली नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट है, ये कन्फ्यूज स्टेटमेंट है, मैं इसको फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये और ज़्यादा हेल्पफुल होती है जहाँ पे आप एरेज बनाते हैं। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि अभी भी आप एक ऑब्जेक्ट को पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, कंडीशन इफ की बहुत सारी लग रही,
लेकिन जैसे ही आप एरेस में जाएंगे तो एक कंडीशन के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। तो ये टेक्निक ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है वो एंड एंड करके उसको कंपेयर करें, ठीक है। तो जैसे ये कंडीशन ख़त्म होगी तो कंडीशन ख़त्म होने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम ट्रैवलिंग, यही वाली स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी और सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा, मैक्स डॉट गेट आ जाएगा और आपके पास मैक्सिमम ट्रैवलर आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेहतर टेक्निक होती है जो मैंने अभी आपको बताई। खैर इसको हम देख लेते हैं। तो सेकंड टेक्निक की तरफ आते हैं, क्या थी वो, कि यही वाला काम मैं कैसे करूं, कंपेयर करूं फंक्शन के थ्रू। यही वाला काम हम कैसे करें फंक्शन के थ्रू, वो कैसे होगा, चलें इसको एक बार एक्सक्यूट करके देख लें ताकि आपका क्या कहते हैं यकीन पुख्ता हो जाए। अच्छा एक चीज़ और नोट करें, जब आप इग्नोर फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए था इंटर नेम, वो नहीं आ रहा। तो जब आप इग्नोर लगाते हैं तो वंस आपको इंटर प्रेस करना पड़ता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो नेम हमने कहा था सैली, किलोमीटर इज 100, टाइम इज 1.5, 4 कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रैवल कौन सा है, $200, सही है। अब आते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ। तो अगर सेकंड टेक्निक आपने लगानी है तो फिर इस सारे को मैं कमेंट कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कंपेयर, इसका नाम मैं रख रहा हूँ कंपेयर ट्रैवलिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जब भी आप दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, इक्वल चेक करते हैं, लेस देन चेक करते हैं, नॉट इक्वल चेक करते हैं, तो वहाँ जो भी रिजल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स में, आप ऐसे ही है ना। तो कंपेयर का फंक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी, ट्रू या फॉल्स। और ट्रू फॉल्स डेटा टाइप कौन सी होती है, इंटीजर। कुछ लोग इंटीजर कह रहे हैं, इंटीजर 0-1 उसमें आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बूल डेटा टाइप होती है, बोल में ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती है। ट्रू मीन्स यस और यहाँ फॉल्स का मतलब होगा नो, यानी ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन 0, समझिए माँ। अच्छा अब बताएं कंपेयर मैंने करना है, कंपेयर किसको करना है, एक ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट्स को। कंपेरिजन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में होता है, तो इसका मतलब इस फंक्शन के कितने पैरामीटर्स होंगे, ट्रेवल टी क्या मतलब है इसका, क्या हुआ बंद हो गया, कब तो बंद हुआ, अभी भी हुआ है, मैं समझा पता नहीं घंटे से बंद है और आप लोग ऐसे पता करें। जी तो मैं ये बता रहा था कि कंपेयर जब भी आप करेंगे कंपैरिजन के लिए आपको हमेशा मिनिमम दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। आपने इक्वल चेक करना है तो क्या इक्वल चेक करेंगे, आप दो वैल्यूज होंगी तो उनमें से आप इक्वल चेक करेंगे, मिनिमम दो वैल्यूज। इसी तरह से जब भी आप इफ की कंडीशन लगाते हैं तो कंपैरिजन हमेशा आप एटलीस्ट दो वैल्यूज को करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ कंपेयर करना है। आप पहले मैन देख लें, मैन में कंपेरिजन कुछ यूँ होगा, इफ मैं यहाँ वही वाली टेक्निक यूज कर रहा हूँ, इफ मैक्स इज इक्वल सॉरी ट्रैवल मैक्स इज इक्वल टू माई, तो यहाँ मैं एक कंडीशन लगाऊंगा इफ इफ योर्स इफ योर्स डॉट
फंक्शन का नाम है कंपेयर ट्रैवलिंग, कंपेयर ट्रैवलिंग। क्यों कॉल करूँगा? कॉल किसके साथ कर सकते, किसके साथ कर रहा हूँ? योर्स के साथ। किसको कॉल कर रहा हूँ? कंपेयर ट्रैवलिंग। पैरामीटर में मुझे क्या पास करना पड़ेगा? मैक्स, क्योंकि मुझे मैक्स को योर्स के साथ कंपेयर करना है ना। यहाँ देखिए, यहाँ योर्स की किलोमीटर को मैक्स की किलोमीटर से कंपेयर किया था, ऐसे ही है ना। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ कॉलिंग ऑब्जेक्ट है योर्स, तो योर्स ये कंपेयर किलोमीटर फंक्शन जब कॉल होगा तो ये योर्स के किलोमीटर को कंपेयर करेगा किसको? मैक्स के किलोमीटर के साथ। सो यहाँ पैरामीटर कितने भेजने पड़ेंगे मुझे? करिए तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जरूरी जी। किसके किलोमीटर को किसके किलोमीटर से कंपेयर करेंगे? डिपेंड करता है कौन से ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल कर रहे हैं। अगर योर्स के साथ कॉल कर रहे हैं तो योर्स के किलोमीटर मैक्स के साथ कंपेयर हो। अगर माय को कॉल कर रहे हैं तो उसके साथ कॉल कर रहे हैं तो उसके किलोमीटर कंपेयर हो। सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कंपेयर का फंक्शन बनाएंगे और क्लास में अगर फंक्शन बनता है तो फिर उसकी दो पैरामीटर नहीं होती, एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट और एक पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट। सो मुझे यूं कुछ कंपेयर करना है तो ये चीज इसकी जो बॉडी है वो कुछ यूं बन जाएगी। अब बताएं, इफ यहां मैं इफ लगाऊंगा क्या? इफ किलोमीटर, इफ टी डॉट किलोमीटर इज ग्रेटर देन किलोमीटर देन रिटर्न ट्रू। ये स्टेटमेंट देखिए और मुझे बताएं इसमें क्या नहीं समझ आए। मैंने ये फंक्शन लिखा है, अभी ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है किसके साथ? योर्स के साथ, ऐसे ही इसको कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट योर्स। पैरामीटर में क्या वैल्यू पास कर रहा हूं? तो ये जो टी है, टी में क्या वैल्यूज आएंगी? मैक्स की वैल्यू आएंगी, क्योंकि पैरामीटर में टी है और वहां से जो पैरामीटर आ रहा है वो पैरामीटर क्या है? मैक्स। तो बेसिकली मैक्स रेफर कर, टी रेफर कर रहा है मैक्स को। तो मैंने यहाँ कंपैरिजन में क्या लिखा? मैंने लिखा टी के जो किलोमीटर की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है किलोमीटर, ये किलोमीटर किसका है? जिसने इस फंक्शन को अभी करंटली कॉल किया हुआ है। और किसने कॉल किया हुआ है? इसका मतलब है योर्स के किलोमीटर को मैक्स के किलोमीटर के साथ यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। दोबारा देखें, योर्स को कॉल कर रहे हैं, जो भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा ना, ये किलोमीटर किसके? कॉलिंग ऑब्जेक्ट योर्स के। समझ आ रही है? और ये किलोमीटर किसके हैं? जो पैरामीटर में वैल्यू आता है। सो मैंने क्या किया, टी के किलोमीटर, टी मीन्स माय, सॉरी मैक्स, एंड के एम मीन्स कॉलिंग ऑब्जेक्ट, एंड कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज योर, दोनों के किलोमीटर कंपेयर हुए। अगर इसके किलोमीटर इससे ज्यादा है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज तो हमारी कंडीशन जब ये चलेगी तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि क्या योर्स के किलोमीटर जो है वो ग्रेटर है मैक्स से? अगर ऐसा है देन क्या करेंगे? मैक्स इज इक्वल टू, मैक्स इज इक्वल टू, दूसरा कंपैरिजन क्या होगा? अली के साथ कंपेयर कर लें क्या? इफ अली डॉट कंपेयर ट्रैवलिंग विद मैक्स एंड देन मैक्स इज इक्वल टू, बाकी ऐसे ही रहेगा। डिस्प्ले कहाँ किया था हमने? इसको चलाते हैं फिर जरा देखते हैं क्या होता है।
ये वही बात आपने लाजमी समझनी है भाई, मुझे पता है तंग हो गए लेकिन बस ख़त्म करते हैं इसको जी। अली सॉरी अब जरा देखिए यहाँ तक जब ये कोड चली है यहाँ तक, तो ट्रैवल में कुछ वैल्यूज आ गई। ट्रैवल में क्या वैल्यू आई होगी, सॉरी मैक्स में क्या वैल्यू आई होगी, माई। और माई की जो इनपुट है वो क्या है, पर्सन वन अली और 100, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने कंपेयर किया, किसको, योज को, किसको कंपेयर किया, ऑब्जेक्ट योज को। और ऑब्जेक्ट योज की क्या वैल्यूज हैं, ये अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो कौन सी वाली वैल्यू है, वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए सेकंड पर्सन की ना, ऑब्जेक्ट योज की। तो जरा गौर से देखिएगा, इसके बाद हमने यहाँ पे योज के साथ कंपेयर मैक्स कंपेयर ट्रैवलिंग को कॉल किया। तो योज की वैल्यू क्या है यहाँ पे किलोमीटर की, 300 है। और जो माए है या मैक्स है उसकी क्या वैल्यू है, ये फंक्शन अभी कॉल हुआ है, मैंने यहाँ पे इस कॉल को वेट करा लिया। यहाँ ट्रैवल टी में जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर आपको नजर आ रही हो तो क्या वैल्यूज हैं, ये 100, 2। और पर्सन क्या है, उसको मतलब टीम में जो वैल्यूज आ रही है, कौन सी वाली वैल्यूज है, पर्सन वन की, जिसको हमने क्या कहा था, माय का है और उसी को मैक्स कह दिया बात। तो बता की बात, इसको हमने कंपेयर करना है। यहाँ के एम में देखिएगा जरा क्या वैल्यू आएगी, इस के एम की क्या वैल्यू आ रही है, तो 300 किसकी वैल्यू थी, योज वाले ऑब्जेक्ट। जो बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको एक्सेस करने के लिए डॉट लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो इसको कॉल कर रहा है उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू को डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, एक्सेस। तो जब भी आपको किसी फंक्शन के अंदर एट्रीब्यूट डायरेक्ट नजर आए तो इट मीन्स ये एट्रीब्यूट किसका एट्रीब्यूट है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट का, जिसने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, कॉल किया। समझ रहे भाई बात की नहीं, क्या कहा मैंने, इन शॉर्ट फंक्शन की बॉडी के अंदर जो एट्रीब्यूट आपको विदाउट डॉट नजर आ रहा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूट नजर आ रहा है, उससे मुराद कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब कॉलिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम चेक करें कि क्या वो लेस है किससे, जो पैरामीटर में वैल्यू आ रही। तो अभी उस बात है यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, टी की किलोमीटर की वैल्यू है 100 और जो पैरामीटर में वैल्यू आ रही हो क्या 300। कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, जब फॉल्स रिटर्न होगा तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली फॉल्स हो जाएगी। ये उसकी किलोमीटर की वैल्यू जो है असल में ये कंडीशन मैंने पैरामीटराइज, कंडीशन सही लगी हुई है लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, मैं इसको थोड़ा आसान बनाता हूँ आपके लिए।
अब जरा देखिए, मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, जिसको कंपेयर कहा था उसको मैंने क्या कह दिया, लेस, इज लेस। तो इज लेस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे किसके साथ, मैक्स के साथ। तो मैं सिंपली, अब जरा रीडेबल होगा आपके लिए, मैं लिख रहा हूँ मैक्स इज लेस यूज, इससे क्या मुराद होगी, क्या मैक्स की किलोमीटर जो है वो लेस है योज की किलोमीटर से? आसान है ना, अगर ऐसा है तो मैक्स को हम योज की वैल्यू दे देंगे। इसी तरह हम कह रहे हैं क्या मैक्स जो है वो लेस है किससे, अली से। अगर ऐसा है तो हम उसको मैक्स की, अली की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। और एंड पे हम मैक्स को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। कंडीशन मैंने थोड़ी सी चेंज की है, मैं कह रहा हूँ किलोमीटर, ये किलोमीटर किसकी है जो उसको कॉल कर रहा है, क्या वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट, बेसिकली कॉलिंग ऑब्जेक्ट मैक्स है, क्या उसके किलोमीटर टी के किलोमीटर से लेस हैं, अगर लेस हैं तो ट्रू, अदरवाइज, ठीक है। बात समझ आई? तो यहाँ अब दोबारा देखिए, मैक्स में माई की वैल्यू है और माई की वैल्यू 100 है, ठीक है। हम मैक्स को कंपेयर कर लें योज के साथ, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि योज की वैल्यू 300 थी, मैक्स की वैल्यू कम है ना, हंड्रेड इज लेस देन 300। कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैक्स में क्या वैल्यू आनी चाहिए, योज की वैल्यू आनी चाहिए, और हमने यही किया हुआ है कि कंडीशन ट्रू होगी तो मैक्स में क्या वैल्यू आ जाएगी, योज। फिर दोबारा मैक्स को चेक किया, अब मैक्स में योज वाली वैल्यू है 300 वाली, तो क्या 300 वाली वैल्यू अली से कम है, अली की जो वैल्यू है ये अली है, थर्ड वाला पर्सन जो है वो अली है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो मैक्स में वही पुरानी वैल्यू रहेगी और जब डिस्प्ले करेंगे तो आपको 300 वाली वैल्यू। समझ आई बात, क्या कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। अब तो यहाँ नोट करें कि एक फंक्शन को आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, पहले उसी फंक्शन को हमने किसके साथ कॉल किया, योज के साथ, फिर उसको अली के साथ, अब आप चाहें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट चेंज करके मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देख लेना एक बार,